आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दीपेश गौर में। दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं कि किस किस जिले में निकलने वाली है रोजगार सहायक की भर्ती, कहां पर पद खाली है, कैसे चेक करें ऑनलाइन। ठीक है, आपको ये पता ही नहीं है कि आपके यहां पर जिले रोजगार सहायक की भर्ती निकल चुकी है, कहां के लिए आवेदन करना है, कौन सी पंचायत खाली है, कैसे चेक करें, ये आज ऑनलाइन चेक करके बताने वाला हूँ। ठीक है, दो 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 तरीका आपको बताने वाला हूँ, किन दो तरीके से आप चेक कर सकते हैं। पहले तरीके में आपको बताऊंगा कि अपने आप एक पंचायत को कैसे चेक कर सकते हैं, इस पंचायत में पद खाली है या नहीं, या किसी अन्य पंचायत में पद खाली है नहीं, मतलब पंचायत स्तर से देख सकते हैं कि पंचायत में पद खाली या नहीं। एक दूसरी स्टेप में बताऊंगा कि ब्लॉक से कैसे देखें कि अपने ब्लॉक में कितनी पंचायत खाली है, कौन से ब्लॉक में कितनी पंचायत खाली है, दो स्टेप में आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों बहुत ही हेल्पफुल वीडियो होने वाला है, क्योंकि लगभग जिलों धीरे धीरे रोजगार सहायक की वैकेंसी निकल रही है, तो ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है कि किस जिले में, किस विकास खंड में, किस पंचायत में पद खाली है और कितने का पद खाली है। उसके लिए अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल पर क्लिक करें, ताकि आप सभी को वीडियो की नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिल सके। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में, लैपटॉप में, पीसी में, एंड्रॉइड सिस्टम में आपको सबसे पहले क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेना है और यहाँ पर आपको लिखना है एमपी पंचायत दर्पण। एमपी पंचायत दर्पण लिखकर आप जैसे ही सर्च करेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस शो होने लगेगा। यहाँ पर आपको थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पर आपको पहली वेबसाइट पंचायत दर्पण मध्य प्रदेश पंचायत दिख रही हो, मध्य प्रदेश दिख रहा होगा, उसे आपको क्लिक कर देना है। उस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने इस प्रकार से एक पोर्टल ओपन होगा। यहाँ पर आपको ग्रामीण ग्राम पंचायत वेबसाइट का ऑप्शन दिख रहा होगा, व्यू वेबसाइट पर क्लिक कर देना। तो यहाँ पर आपको अपना सबसे पहले क्या करना है, अपना जिला सिलेक्ट कर लेना है। जिला सिलेक्ट करने के बाद आपको सिलेक्ट करना है अपनी जनपद पंचायत, उसके बाद अपना सिलेक्ट कर लेना है ब्लॉक। ठीक है, अपना ग्राम सिलेक्ट कर लेना, उसके बाद व्यू ग्राम पंचायत पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस हो जाएगा। ये ग्राम पंचायत भवन गांव है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सरपंच का नंबर देख रहा होगा, सचिव का नंबर, रोजगार सहायक का नाम है अनिल उनका। ठीक है, अगर यहाँ रोजगार सहायक का पद खाली रहता तो यहाँ पर रोजगार सहायक के आगे ना लिखल रहता एन ए। ठीक है, मतलब यहाँ पर रोजगार सहायक का पद खाली है। ठीक है, और एक और पंचायत, एक दो पंचायत और आपको ऐसे ही बता देते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम जैसे दूसरी पंचायत सिलेक्ट कर लेते हैं कोई सी भी। ठीक है, आज सभी पंचायत में देख सकते हैं, अपनी खुद की पंचायत में या दूसरे की पंचायत में। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें भी रोजगार सहायक है सुनील गो। तो कुछ इस प्रकार से आप यहाँ पर अब देख सकते हैं। अब दूसरी स्टेप क्या रहेगी, दूसरी स्टेप रहेगी कि आप अपने ब्लॉक में कैसे देख सकते हैं कि पद खाली, कितने पद खाली है टोटल। ठीक है, तो यहाँ पर ब्लॉक में देखने के लिए सबसे पहले आपको चले जाना है, मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा, वहां से उस लिंक को डायरेक्ट आप ओपन करिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी गई है उसे जैसे ओपन करेंगे कुछ इस प्रकार का इंटरफेस होगा। यहाँ पर आपको होम का बटन दिख रहा है, होम के बटन पर क्लिक कर देना है आपको, और यहाँ पर आपको सर्च करना है। यहाँ पर जो कर्मचारी की जानकारी है तो उपलब्ध रिपोर्ट पर आपको क्लिक कर देना है। उस पर आप जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने नया पेज ओपन एक हो जाएगा और यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा कुछ इस प्रकार के पास आपके पास इंटरफेस होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कार्यालय एवं कर्मचारी की जानकारी जिला बार देखा, आपको इस पर क्लिक कर देना है। इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको एक कैप्चा फिल करने का एक ऑप्शन दिया जाएगा, कैप्चा फिल आपको कर देना है। ठीक है, कैप्चा फिल करने के बाद यहाँ पर आपको सूची पर क्लिक कर देना है। जैसे सूची पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको पूरे मध्य प्रदेश के टोटल जिलों की यहाँ पर आपको संख्या देखने को मिल रही है। हम हरदा की देख लेते हैं तो हरदा पर क्लिक कर देते हैं। ठीक है, हरदा पर जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको फिर से जिला सिलेक्ट करना होगा अपना, और यहाँ पर आपको जिला सिलेक्ट करने के बाद फिर से अपना कैप्चा फिल कर देना है। ठीक है, कैप्चा फिल करने के बाद यहाँ पर आपको सूची देखे पर क्लिक कर देना है। सूची देखे पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जनपद पंचायत हरदा, यहाँ पर आपको संपूर्ण जानकारी देखने को मिल रही होगी। ठीक है, यहाँ पर आपको संपूर्ण जानकारी देखने को मिल रही है। हम देखना चाहते हैं खिड़किया ब्लॉक का, तो हम खिड़किया पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर हम जैसे ही खिड़किया पर क्लिक करेंगे हमारे सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको कार्यालय मतलब सीईओ का नाम देखने को मिल जाएगा, मोबाइल नंबर देखने को मिल जाएगा, पता देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको सबसे नीचे दिख रहा होगा, यहाँ पर आपको एक दिख रहा होगा आरडी मनरेगा जीआरएस सैलरी। ठीक है, जीआरएस मतलब ग्राम रोजगार सहायक, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पंजीकृत कर्मचारियों की संख्या कितनी है, टोटल 62 है। और यहाँ पर हमारे पंचायत मतलब हमारे ब्लॉक में कितनी पद मतलब कितनी पंचायत है, तो हमारे ब्लॉक में टोटल 74 पंचायत है। तो यहाँ पर आप सीधा सा अनुमान लगा सकते थे कि कुल रोजगार सहायक 62 है और कुल पंचायत 74 है, तो मतलब कि 9 यहाँ पर आपको 9 पोस्ट
ठीक है, मतलब कि 12 पोस्ट लगभग यहाँ पर खाली हैं, तो ठीक है यहाँ पर कुछ इस प्रकार से आप अनुमान लगा सकते हैं। ठीक है, ये सभी को पता रहता है कि अपने ब्लॉक में कितनी पंचायत हैं। ठीक है, वो भी ऑनलाइन निकल सकता है, आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं कि किस ब्लॉक में कितनी पंचायत है। उस हिसाब से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रोजगार सहायक के मतलब कि हमारे ब्लॉक में टोटल 74 पंचायत है और जिसमें से 62 रोजगार सहायक है, मतलब 12 पोस्ट खाली है हमारे ब्लॉक में। तो इसी प्रकार से आप भी देख सकते हो, और इसकी नोटिफिकेशन, भर्ती की नोटिफिकेशन जैसे जैसे जिलेवार आती रहेगी हम आपको बताते रहेंगे। उसके लिए अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन नहीं किया है तो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके, चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को आल पर क्लिक कर लीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो लेकर आपको जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।